हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर हाजिर हूँ नए डिज़ाइन के साथ। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स कितना सुंदर डिज़ाइन है। फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स मल्टी कलर डिज़ाइन है। इस पे मैंने वाइट कलर पे ब्लू से, पिंक से और येलो से डिज़ाइन बनाया है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है ये। किसी भी स्वेटर में आप इसे लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। इवन बच्चों के स्वेटर्स में इसे लगाएंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। बच्चों का स्वेटर, फ्रॉक्स में आप इसे लगा सकते हो। इसके लिए जो आपने कास्ट ऑन करना है वो आपने करना है इवन नंबर के मल्टीपल्स में, ठीक है, यानी कि मल्टीपल ऑफ टू। इस तरह आपने इसमें कास्ट ऑन करना है, प्लस टू मैंने एक्स्ट्रा स्टिचेस रखे हैं। आप इसमें कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो ये है फर्स्ट रो राइट साइड में। फर्स्ट रो राइट साइड यानी कि यू हैव टू नीट ऑल द स्टिचेज इन द फर्स्ट रो। पहली सिलाई है, सीधी तरफ से लेनी है और इसमें आपने सारे फंदे सीधे बुनने हैं। इसी तरह पूरी सिलाई ले लीजिए आप। देखिए फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर दी है, अब है सेकंड रो रॉन्ग साइड पे। सेकंड रो अपने सारे फंदे उल्टे बुन देने हैं। देखिए यू हैव टू पर्ल ऑल द स्टिचेस इन द सेकंड रो। दो रोज आपकी हो गई है, सेम दो रोज ही आपने फिर से रिपीट करनी है। थर्ड रोज रो वन की तरह और रो फोर रो टू की तरह। रो थ्री नीट ऑल स्टिचेस, रो फोर पर्ल ऑल स्टिचेस। रो फोर है ये देखिए बहन, फोर हमने रोज कंप्लीट कर दी है। अब हम आ गए हैं फिफ्थ रो पे। फिफ्थ रो पे जो हमने लेना है, ये हमने धागा दूसरा ले लेना है, दूसरा थ्रेड यूज़ करना है। तो मैंने येलो कलर लिया है। हम इसको इस तरह से नोट बांध देते हैं इसमें, ताकि ये लूज़ ना रहे। जो हम स्टिच फर्स्ट स्टिच लेते हैं फिर लूज़ हो जाता है, इसे लूज़ नहीं रहेगा। देखिए इस तरह लेना है। अब देखिए क्या करना है आपको। एक फंदा ले लिया आपने, अब देखिए इन दो के बीच से आपने फंदा लेना है। दो के बीच से यहाँ पे आपने नीडल डाल लिया और इस तरफ बुनते हुए नीडल डाली और इस तरह आपने फंदा बना लिया। अब देखिए इसको इस तरह राउंड लगाना है और ये दो स्टिचेस एक साथ बुन लेने। फिर से सेम वैसे ही दो स्टिचेस के बाद इस तरह बुनना है आपने, देन यार्न ओवर और टू स्टिचेस
एक साथ, नेट वाइज आपने एक्स्ट्रा ले रहे हैं, यानी कि के टू टॉ। बस फ्रेंड, जिस तरह ये मैंने बनाया है इसी तरह से आपने ये पूरी की पूरी सिलाई रिपीट कर देनी है। एक बार और देख लीजिए, इस तरह से पीछे से लेना है, यार्न ओवर, देन दो स्टिचेस एक साथ आपने नीट वाइज बुन लेने हैं। और ये एल स्टिच। फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है, अब हम हैं सिक्स्थ रो पे। फर्स्ट एल स्टिच, देखिए जो लूज वाला थ्रेड है इसे आपने ऐसे ही दूसरी सिलाई पे निकाल देना है, देन धागा आगे को करके दो फंदे एक साथ उल्टी की तरह से बुन लेने, यानी पी टू टॉक, यानी कि उल्टी तरफ से बुन लेने। देखिए ऐसे निकाला, धागा आगे को लिया और ये इस तरह बुन दिया। ये लूज स्ट्रैंड दिख जाता है, वही आपने दूसरी नीडल पे लेना है और फिर पी टू टॉक। इसी तरह से पूरी की पूरी आपने ये रो रिपीट कर देनी है। इस तरह हमारी सिक्स रो कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। इसके बाद आपने व्हाइट वाला धागा ही लेना है और उससे टू रोज ले लेनी है। पहली नीट ऑल स्टिचेस इन दिस रो, ये हमारी सेवन्थ रो है। तरह सीधा बनाना है, उससे नेक्स्ट रो पे आपने पर्ल ले लेनी है। नेक्स्ट रो उसमें आपके सारे स्टिचेस पर्ल होंगे, यानी कि यू हैव टू स्टिच ऑल द स्टिचेस पर्ल। कंप्लीट हो गया आपकी वाली, देन एट्थ रो।
फिर थ्रो रॉन्ग साइड पे, सारे के सारे स्टिचेस पर्ल आ जाएंगे। ये हमारी 8 रोज़ कंप्लीट हो गई है और इस तरह से कुछ पैटर्न बन के तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, इस पैटर्न के लिए यही 8 रोज़ आपने रिपीट करनी है। आई होप कि आपको मेरा ये आज का डिज़ाइन पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई और अच्छी सुंदर सुंदर डिज़ाइंस की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।